सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए डुअल टोन फोटो एडिटिंग करने वाला हूँ, जो इंस्टाग्राम पर बहुत ही वायरल हुआ है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन घंटी को जरूर दबा देना। सो दोस्तों, फर्स्ट हम लोग को क्या करना हो दोस्तों, ये जो पिक है ना, इसको हम लोग पिक्सआर्ट पे ओपन कर लेंगे। तो ऐसे पिक्सआर्ट पे आ जाने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, ये जो इफेक्ट वाले ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा एंड इधर हम लोग को ब्लैक एंड वाइट स्पीक को दे देना होगा। सो ऐसे ब्लैक एंड वाइट कर देने के बाद हम लोग को डन करना है। एंड उसके बाद दोबारा फिर से इफेक्ट पर क्लिक करना होगा एंड ये जो कलर बने, तो ये जो कलर वाले ऑप्शन है ना दोस्तों, इस पर क्लिक करना होगा एंड ये जो ब्लैक एंड वाइट है दोस्तों, इस पर इसे क्लिक करना होगा और इसको जो अमाउंट है इसको हम लोग जीरो रख देंगे एंड ये जो टूल्स हैं हम लोग ऐसे क्लिक करके इसको अच्छे से बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट कर देना होगा। सो दोस्तों, ऐसे हो जाने के बाद हम लोग को डन कर लेना होगा। डन करने के बाद इसमें हम लोग PNG ऐड कर देंगे। ये जो PNG है ना दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे साइड में रख लेंगे एंड ऐसे करके जो रख लेना होगा एंड डन कर लेते हैं। एंड ऑफिस फिर से एड फोटो क्लिक करना होगा, इसे साइड से रख लेना होगा एंड इसको डन कर लेते हैं। तो अभी पीक बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो चलिए जल्दी से इसको लाइटरूम पर चल के इसका जो है डुअल टोन कलर है उसको हम लोग कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से चलते हैं दोस्तों। ऐसे लाइटरूम पर आ जाने के बाद हम लोग क्या करना होगा, ये जो टूल है ना दोस्तों, इस टूल पर क्लिक करना होगा एंड ये जो क्रॉस वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है और एंड इसके बाद ये टूल पर क्लिक कर देना है एंड इसके साइड से जो है हम लोग ऐसे इसे कर लेना होगा एंड इसको ऐसे इतने रख देते हैं एंड अभी इसमें हम लोग कलर करेक्शन करेंगे। तो ये जो कलर वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है एंड इसको टेम्परेचर को है 100 कर देना है एंड टिंट को भी 100 रख देना है, सेचुरेशन को भी 100 रख देना है। एंड मैंने जो है इस कलर को किया था जो बहुत ही अमेजिंग कलर लग रहा है। तो डन कर लेना है एंड आपस इस टूल पे क्लिक करके ऐसे फिर से हम लोग ऐसे कर लेना होगा। सो फिर से इस आइकन पर क्लिक करना है एंड टेम्परेचर को हम लोग माइनस रख देते हैं एंड सेचुरेशन को जो है हम लोग बढ़ा लेंगे एंड कलर को जो है दोस्तों, ये कलर को हम लोग ये रख देते हैं।
सो दोस्तों ये कलर हो गया है एंड इसे डन कर लेना है। तो अभी देख ही सकते हैं दोस्तों पिक कितने अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो दोस्तों अभी क्या करना होगा, जो ये जो कलर वाला आइकन है क्लिक करना है एंड इसको टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा एंड टिंट को भी इसे थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। सो इसे करने के बाद हम लोग क्लियरिटी को जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सो आपको पिक एडिटिंग हो गया है, पिक कैसी लगी दोस्तों लाइक कमेंट करके बताना।